जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं बाल बच्चे बढ़िया हैं जय हिंद भाई जय हिंद चलिए गुड आफ्टरनून भाई सारे के सारे लाइव हैं चलिए गुड इवनिंग बढ़िया हैं रिविशन करके आए हैं बताइए चलिए तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि रिवाइज़ करके आना है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिविजन करके आए होंगे ठीक है बहुत शानदार और पिछली क्लास में मैंने आपको इन सेंटर और एक सेंटर पढ़ा दिया था अब हम पढ़ने वाले हैं क्या सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र ठीक है मैं बढ़िया हूँ भाई आप लोग कैसे हैं सब बढ़िया ना चलिए तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में बहुत अच्छे आ जाइए तो हम पढ़ने वाले अभी सरकम सेंटर सरकम सेंटर का मतलब हो गया आपका परिकेंद्र ठीक है और परिकेंद्र की बात हम यहां करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ये परिकेंद्र यानी ये जो सरकम सेंटर हमारा बना है वो सरकम सेंटर का निर्माण कैसे हुआ ठीक है जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया था आ, एंगल बाई तो जहां पर सारे के सारे एंगल बाई मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं इन सेंटर कहते हैं यानी जहां सारे कौन से हम विभाजक मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे इन सेंटर अब हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र होता क्या है बनता कैसे है तो मेरे भाई ऐसे समझिए आप लोग ऐसे जैसे जहां पर सारे परपेंडिकुलर बाई मिलते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर अब ये परपेंडिकुलर बाई होता क्या है तो जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई की परिभाषा दी गई है क्या होता है कि इफ अ लाइन बाई अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली द लाइन इज कॉल परपेंडिकुलर बाई कहने का मतलब क्या है मेरे भाई यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसी रेखा है अब इस रेखा को काटने वाले कई सारे लाइन होंगे ये भी लाइन इसको काट रहा होगा ये भी लाइन इसको काट रहा होगा ये भी लाइन इसको काट रहा होगा लेकिन जो रेखा 90 डिग्री पर काटे और बराबर बराबर भागों में काटे ना तो वही रेखा को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाई कहते हैं जैसे आप यहाँ पर देखिए तो ये ए बी नाम का एक लाइन है और एक एल नाम का लाइन है इसको नब्बे डिग्री पर काटे और वो भी बराबर बराबर भागों में तो यानी ये जो पी वाला लाइन है ये हमारा एबी का क्या है तो परपेंडिकुलर बाई है कभी भी परपेंडिकुलर बाई जब किसी भी रेखा को काटता है तो दो बराबर भागों में काटता है और ये मेरे भाई यहां पर लिखा गया है कि ए जो होगा वो हमारे ओबी के बराबर होगा ठीक है तो जैसे कि आप ट्राइंगल पढ़ रहे हैं त्रिभुज पढ़ रहे हैं अब त्रिभुज अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहां पर देखिए तो एक ट्राइंगल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने ट्राइंगल बना दिया

उसे हम क्या बोलेंगे तो उसी को हम यहाँ परपेंडिकुलर बाई बोलेंगे जहां पर ये सारे के सारे मिल जाएंगे ना तो इसी वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं सरकम सेंटर कहते हैं परिकेंद्र कहते हैं ठीक यानी जितने जहां पर पर जो है यहां पर जहां मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं परिकेंद्र कहते हैं ठीक है अब जैसा कि आपको पता है पहले हमने पढ़ा था कि अगर इन सेंटर है तो उसके कारण एक सर्कल का भी निर्माण होगा तो उसी तरीके से अगर एक सरकम सेंटर है परिकेंद्र है तो इसके कारण भी एक वृत्त का निर्माण होता है और वो वृत्त कैसे बनता है वो देखिए तो जो पहला इन सेंटर था तो उसका सर्कल अंदर बनता है और ये सर्कम सेंटर है तो इसका सर्कल कहाँ बनता है तो इसका सर्कल मेरे भाई ऐसे बाहर की तरफ बनता है ठीक है इसका सर्कल कहाँ बनेगा तो इसका सर्कल हमारा बाहर की तरफ बनेगा आप देखिए यहाँ पे ठीक है ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया ये हमारा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ये सर्कल है और ये सर्कल को हम इस ट्रायंगल का क्या बोलेंगे सर्कम सेंटर यानी ये उस सर्कल का क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा और जब हम इस सेंटर से इस सर्कल पे कहीं पर भी कोई भी लाइन डालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे उसका रेडियस बोलेंगे जिसको हम सर्कम रेडियस यानी यहाँ पर परित्रिज्या भी मेरे भाई कहते हैं समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है तो जब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई मिलते हैं तो उसे सरकम सेंटर कहते हैं और उस सेंटर को मानकर हम सेंटर उस सेंटर को अगर हम सेंटर मानकर एक सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है और यहाँ से सर्कल पर डाला गया कोई भी पॉइंट हमारा क्या कहलाता है सरकम रेडियस कहलाता है यही बातें आपकी शीट में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें लिखी गई है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब को प्रतिच्छेदित बिंदु के परिकेंद्र कहते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये ट्रायंगल हो गया इस ट्रायंगल में ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जहां मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे परिकेंद्र बोलेंगे ठीक है भाई दोस्त यहाँ पे कोई दिक्कत की बात अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लाइन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे ये दोनों पार्ट हमारे बराबर होंगे और हमारे ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में क्या होंगे ये दोनों बराबर होंगे इसको सेंटर मान के अगर हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल को हम क्या बोलेंगे सरकम सर्कल बोलेंगे ठीक है आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनकी कि भाई ये सरकम सेंटर है तो चलो कोई भी चीज़ है तो उसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसकी कुछ ना कुछ खासियत है उसी तरीके से यहाँ पर इस सर्कल की भी कुछ ना कुछ खासियत होगी और वो खासियत क्या होगी वो प्रॉपर्टीज क्या होंगे जरा आप एक बार उसे देखिए तो आप इन प्रॉपर्टीज को पढ़िए एक बार क्या लिखा गया है तो सबसे पहला पॉइंट पढ़िए आप यहाँ पहला पॉइंट क्या कहा गया है सबसे पहला पॉइंट यहाँ कहा गया है ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रैंगल पास थ्रू सरकम सेंटर यानी ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर जो होते हैं वो कहाँ से पास करेंगे तो मेरे भाई वो सरकम सेंटर से पास करेंगे कहाँ से पास करेंगे तो वो ये सरकम सेंटर से पास करेंगे उसके बाद बात करते हैं द circumcenter सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल

ठीक है अब यहां पर सबसे पहली बात आपने पढ़ा जैसे मान लीजिए आपने इनसेंटर पढ़ा तो इनसेंटर में आपने क्या पढ़ा कि <coughs> ठीक है सर इन सेंटर और परपेंडिकुलर सेम होगा बिल्कुल भी नहीं इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों अलग हैं और दोनों अलग अलग स्थान पर होंगे दोनों एक ही बिंदु पर नहीं होंगे नहीं ठीक है नहीं तो अगर दोनों एक ही बिंदु पर होते तो हम एक ही चीज को पढ़ते ना अलग अलग थोड़ी पढ़ते हैं एक त्रिभुज के अंदर इन सेंटर का, का स्थान कहीं और हो सकता है सरकम सेंटर का स्थान कहीं और हो सकता है जब इक्विलेट्रल ट्राइंगल होते हैं तो वो सभी सेंटर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं लेकिन अगर ट्राएंगल इक्विलेटरल नहीं है तो वो एक स्थान पर नहीं होंगे ठीक है आ जाइए अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रैंगल के अंदर आप देख रहे हैं तो आपने जैसे इन सेंटर पढ़ा था तो इन सेंटर में आपने एंगल निकालने को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए अंत केंद्र के अंदर आपने पढ़ा था कि सर एंगल कैसे निकालते हैं मैंने कहा ना कि एकदम दृश्याम मूवी की तरफ बार बार वो डायलॉग हम बोलते जाएंगे और आपको रटवा देंगे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ा ये इंसेंटर पढ़ा था आपने कि ये जो एंगल बाई सेक्टर होता है जो इस कोन को भाग देता है जो इस कोन को भाग देता है बराबर में और जो इस कोन को भाग देता है बराबर में तो ये जो एंगल अगर हमें निकालना होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि एंगल कितने के बराबर होता है ये वाला ये जो हमारा थीटा होता है कितने के बराबर होता है तो वो लोग सर थीटा की वैल्यू 20 प्लस एंगल ए बाय 2 होती है और ये किस में होता है तो ये हमारा इन सेंटर में होता है तो उसी तरीके से सरकम सेंटर में भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ बातें होती हैं ध्यान रखिए ठीक है जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये यह ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपका एबीसी है ठीक है अब ये ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा तो ट्रायंगल एबीसी में जैसे मानो यहां पर ये यह इसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर तीनों एक पॉइंट पर मिले और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया तो इस पॉइंट को हमने सरकम सेंटर कह दिया यानी परिकेंद्र कह दिया अब क्या होगा दोस्त की जैसे मानो ये जो पॉइंट है आपका परिकेंद्र वाला जो पॉइंट है अगर हम एंगल बी से और एंगल सी से इसको ज्वाइन करें और पूछे कि बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या होगी तो ये थीटा की वैल्यू हम कैसे बताएंगे तो सर्कल की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है और सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान रखना ये सर्कल की प्रॉपर्टी है सर्कल जब आप आगे चल के पढ़ोगे ना वृत्त जब आप आगे चल के पढ़ोगे तो सर्कल में ऐसा कहा जाता है कि आप सर्कल में जैसे मानो आपने एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया है और एक पॉइंट आपने यहाँ बी ले लिया है ठीक है तो सर्कल में क्या और ये सर्कल का सेंटर है ठीक है तो कल के दिन मानो ये जो लाइन है ना ठीक है ये ए बी मान लो यहाँ ज्वाइन कर लो और एक यहाँ सी नाम का या यहाँ पर डी नाम का या यहाँ पर ई e नाम का कोई भी एक लाइन ज्वाइन कर लो ठीक है जिनको आप पैसे भी ज्वाइन कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है या एक ही पॉइंट अभी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है एक ही पॉइंट मान लो सिर्फ सी को रहने दो तो आप आगे चल के सर्कल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पढ़ोगे और वो ये पढ़ोगे मेरे भाई यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर ये जो कोई कॉर्ड है ये कोई भी कॉर्ड है जैसे मान लो ए बी कॉर्ड बोला जाता है आगे चल के सर्कल में पढ़ाएंगे तो एक सर्कल का जो एक कॉर्ड होता है ना दोस्त अगर वो सरकमफरेंस पर थीटा एंगल बनाता है तो सेंटर पर यहाँ इसी का दोगुना बनाता है यानी कितना बनाएगा टू थीटा बनाएगा जैसे यहां अगर 10 डिग्री बना रहा है तो यहां पर कितना बनाएगा तो यहां पर मेरे भाई इसी का दोगुना यानी 20 डिग्री बनाएगा ये इस सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कल के दिन अगर आप एक सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड लेते हैं वो कॉर्ड इस पूरे सर्कम पे पर जैसे मानो यहां पर भी अगर वो थीटा एंगल बना रहा है ना तो सेंटर पर इसका दोगुना बनाएगा टू थीटा बनाएगा ये किसकी प्रॉपर्टी होती है तो सर्कल की तो सेम कहानी अभी आप सर्कम सेंटर पढ़ रहे हैं ये सेंटर जो है ये क्या है तो ये एक सर्कल का सेंटर है अब सर्कल सेंटर है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये थीटा एंगल के बारे में तो जो थीटा एंगल होगा वो मेरे भाई क्या होगा एंगल ए का दोगुना होगा यानी बात करें तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए तो इन सेंटर में आपने क्या पढ़ा था इन सेंटर में आपने पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू 90 प्लस एंगल ए बाय 2 और सरकम सेंटर में आप कहां पढ़ेंगे तो थीटा की वैल्यू एंगल ए का दोगुना समझ गए मेरी बात को यहां पर कोई दिक्कत की बात यहां पे ठीक है तो उसी तरीके से ये सारी बातें आपको लिखी गई हैं कि अगर ओ जो है इसका यहाँ सरकम सेंटर है परिकेंद्र है तो एंगल बी ओ सी अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो इसके पीछे जो एंगल है उसका दोगुना कर दीजिए अगर आपको यहाँ ए ओ सी यानी ये वाला एंगल निकालना है डबल लाइन वाला तो ये निकालना है तो इसके पीछे एंगल बी है तो एंगल बी का दोगुना कर दीजिए और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये तीन वाला निकालना है इसके पीछे एंगल सी है तो एंगल सी का आप दोगुना कर दीजिए इस तरीके से आप यहां पर तीनों एंगल का पता कर लीजिए ठीक है कुछ एग्जाम्पल हम इसके ऊपर देखते हैं ताकि चीजें आपको और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस में आ जाए और आप समझ पाए तो आपके लिए एक, एक एग्जाम्पल है यहां पे एग्जाम्पल नंबर तेरा क्या कहा गया इस एग्जाम्पल में देखिए बोला गया इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल पी क्यू आर ठीक है हमारे पास एक हमें त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज का नाम हमें क्या देना है तो त्रिभुज का नाम हमें पी क्यू आर देना है कि मेरे भाई ये P है ये Q है और ये R है तो यदि O P Q R का परिकेंद्र है मान लीजिए O नाम का पॉइंट कहीं बीच में है और वो परिकेंद्र है और एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एंगल Q O R इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी दोस्त यहाँ पे ठीक है साथ में हमसे O P R की वैल्यू पच्चीस है ओ पी और आर यानी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है तो ये वाली वैल्यू हमारी 25 है मेरे भाई तो सवाल में हमसे क्या बोला है पी आर क्यू का मान यानी पी आर और क्यू ठीक है पी आर क्यू यानी ये पूरा का पूरा एंगल हमसे पूछा गया हमने कहा हम बता देंगे कोई परेशानी की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बता सकते हैं आप सब कुछ बता सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है इस सवाल को करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक सा सवाल करें और वो बेसिक सा सवाल क्या है तो बेसिक सा सवाल ये है कि जैसे आपका ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या मैंने कह दिया इस त्रिभुज का नाम मैंने कह दिया ए बी और सी ठीक है ये जो ओ नाम का है ना बंदा ये आपका परिकेंद्र है ये आपका क्या है तो परिकेंद्र है अब ये परिकेंद्र है सरकम सेंटर है मैंने कहा ये वाला एंगल अगर पचास है ठीक है तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा और यहाँ पर ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे ये जितने भी क्वेश्चन मार्क मैंने बनाए हैं ये सभी की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होगा सर इनसाइड द ट्रायंगल सर्कल नहीं होगा क्या नहीं जनाब इनसाइड द देखो इनसाइड होता है तो वो इन सर्कल होता है और बाहर होता है तो वो सरकम सर्कल होता है ठीक है बताइए दो सवाल मैंने पूछे यहां जितने भी क्वेश्चन मार्के आप उनकी वैल्यू बताओ अब आप यहाँ बोलोगे सर बहुत आसान सवाल आपने पूछ दिया हमसे कैसे तो आप यहाँ पर देखिए जैसे आप समझिएगा छोटी छोटी बातों को लेकर आपने अभी कहा और कहा कि देखिए सर अगर ये पचास है तो यहां पर उसका डबल कितना हो जाएगा सौ डिग्री हो जाएगा चलो ये तो सौ निकल के आ जाएगा बच्चा बच्चा भी इसको बता देगा कि ये सौ है लेकिन ये दोनों कोनों के बारे में आप कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे आप इन दोनों के बारे में तो अभी हमने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी और हमने आपको क्या सिखाया था हमने कहा कि ये सर्कल का सेंटर है ये हमारा क्या होता है सर्कल के सेंटर से लेकर वॉटेक्स तक इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर तो सर्कल के सेंटर से लेकर वॉटेक्स तक हम यहां इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं सर्कल के सेंटर से लेकर वॉटेक्स तक हम इसे क्या बोलते हैं तो हम इसे यहाँ पर सरकम रेडियस बोलते हैं ये दोनों हमारे भुजा क्या होती है बराबर होती है अगर ये दोनों भुजा बराबर होगी तो ये दोनों कौन भी बराबर होंगे या नहीं हो? चालीस हो जाएगा ठीक है तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि सेंटर वाला एंगल इसका डबल हो जाता है और फिर एक सौ अस्सी से घटा देने पे जो बचता है हम उसका आधा और आधा यहाँ पर क्या करते हैं कर देते हैं ठीक है समझ गए इस प्रॉपर्टी को आप छोटी सी बात को यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसका डबल करना होता है और जो बच जाएगा उसका आधा आधा करना होता है तो उसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल में इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको छोटी छोटी बातें सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पर आपने कहा सर ये देखो 25 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये भी हमारा 25 हो जाएगा हो जाएगा ना क्योंकि जितना हमारा ये वाला एंगल है उतना ही हमारा ये वाला भी एंगल होगा ये दोनों साइड हमारे बराबर हैं तो दोनों एंगल भी हमारे बराबर होंगे हो जाएगा सर ठीक है अब ये हमारा 110 डिग्री है तो इन दोनों ब्लू वाले के चलते इन दोनों ब्लू वाले एंगल के चलते कितना आएगा तो बोलोगे सर देखो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है 180 में ये हमारा 110 है यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 70 आएगा 70 में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा सर पैंतीस हो जाएगा ठीक है समझ गए मेरी बात को तो कुल मिलाकर एंगल आर पर जो बनेगा वो कितना बनेगा तो एंगल आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी पच्चीस और पैंतीस कुल मिलाकर कितना हो जाएगा सर सिक्सटी डिग्री हो जाएगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा तो जो हमसे पी आर क्यू पूछा गया था वो कितना आएगा साठ डिग्री आएगा समझ गए सेंटर के प्यारी सी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपका बन पाता कि देखो भाई अगर ये 25 है ना तो ये भी 25 हो जाएगा ये कौन 110 है तो ये 110 है तो बाकी दोनों के चलते 70 आएगा यानी 35 और 35 आएगा तो ये पूरा कौन कितने का हो जाएगा पैंतीस पच्चीस यानी साठ का हो जाएगा ठीक है बहुत शानदार निशा शाह प्रिंस कुमार किरण बिंबा विजय श्या ठीक है बहुत अच्छे बच्चों बहुत शानदार आ जाइए एक और एग्जाम्पल आपके लिए है एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन जरा इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्या कहा गया कहा गया ओ जो है सरकम सेंटर है ए बी सी का तो हमने कहा ठीक है सर यहाँ पर ओ ए बी सी का परिकेंद्र है ओ हमारा क्या है तो देखो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया है त्रिभुज का नामकरण हमने क्या कर दिया है तो हमने कहा त्रिभुज का नामकरण हमारा ए बी सी है ओ जो है इसका क्या है परिकेंद्र है ओ ए बी सी का परिकेंद्र दिया गया है साथ में हमें बी ए सी बी का मान हमारा कितना है तो बी का मान हमारा पिछयासी डिग्री दिया गया है एटी फाइव दिया गया है बी सी ए का मान पचपन है बी सी मान हमारा कितना है तो हमारा मान पचपन है ठीक है तो इसकी वैल्यू को हम कितना बोलेंगे पचपन बोलेंगे उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है एंगल ओ ए सी का मान कितना होगा ठीक है एंगल ओ ए सी का जो मान है वो हमारा कितना होगा हमसे कहा गया है ये एंगल ओ का मान हमारा कितना होगा हमने कहा यार ये भी कोई सवाल है बताओ मतलब कुछ ढंग का क्वेश्चन हमसे पूछ लेते तो हम बता भी देते हैं ये कोई सवाल है बताओ ओ मतलब इतना आसान सवाल बताइए हमारे बच्चे ही बता देंगे हमारे चैंपियंस बता देंगे बताओ आप बोलोगे सर देखो बहुत आसान है आप इस बात को समझो अगर हमें ओ ए सी बताना है तो हमें पता होगा कि इस लाइन को जोड़ना है ठीक है आप हमसे कह रहे हैं ये वाला कौन बताने को ये ये छोटू कौन तो ये तो हम तब बताते हैं ना सर जब हमें ये वाला एंगल पता होता है बताइए ये पता होगा तो उसके बाद क्या करेंगे जैसे मानो ये 100 डिग्री है सपोज करो तो हम बोलेंगे सर पूरे ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ एक सौ अस्सी उसमें ये 100 है तो ये दोनों 40 और 40 हो जाएंगे लेकिन इसके बिना बताए हम ये नहीं बता सकते हैं। अब ये वाला एंगल हम कैसे बताएंगे तो आप सवाल देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं और सरकम सेंटर में मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये एंगल निकालना है तो इसके पीछे जो मौजूद है आप उसका क्या कर दो डबल कर दो इसके के पीछे कौन मौजूद है बी मौजूद है तो आप बी का डबल कर दो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको ये एंगल निकालना है तो आपको बी का पता होना जरूरी है तो देखो पहले बी पता होगा तब ये निकलेगा और ये पता होगा तो ये निकलेगा मेरी बात को समझे रिलेट करना सीखो यहाँ पे अब बात करते हैं एंगल बी कैसे निकलेगा तो बहुत आसान त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है कितना होता है मेरे भाई 180 होता है ठीक है आप जरा देखिए यहाँ पर तो ये 85 है और ये 55 है दोनों को जरा जोड़िए कितना आ गया तो पिचासी और पचपन हमारा एक आ गया कितना आ गया मेरे भाई 140 आ गया 85 और 55 कितना आ गया तो 140 आ गया त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है उस 180 में इन दोनों को जोड़ने पे 140 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी और अगर इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी तो 40 का दोगुना ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है अब अगर ये 80 होगा तो मेरे भाई क्या होगा जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के यहाँ पर तीनों कोनों को जोड़ने में ये हरा वाला को अगर मैं मिला यहां, तो ये हरा वाला क्या है एक त्रिभुज है त्रिभुज के तीनों को जोड़ने पे एक सौ अस्सी आता है ये हमारा अस्सी है यानी इसके चलते और इसके चलते सौ आएगा यानी ये दोनों कितने कितने होंगे तो पचास और मेरे भाई यहाँ पर ये यह हो जाएगा पचास तो यहाँ बोला गया है ओ ए सी का मान तो ओ ए सी का मान कितना होगा पचास ऑप्शन नंबर बी फोर बुलाबी दोस्त को इस करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ गए आप लोग रिलेट करके सीखे ना आप चीजों को रटना नहीं है आपको आपको अच्छे से पता है कि यार ये बताना है तो एंगल ये बताना पड़ेगा इसको बताने के लिए इसके पीछे का पता होना जरूरी है तो बाकी दोनों कोण दिए गए थे उन्हें जोड़कर एक सौ अस्सी में से घटा दिया तो ये आ गया इसका दो गुना कर दिया तो ये आ गया फिर एक सौ अस्सी में से अस्सी को घटा दिया सौ बज गए उनके दो बराबर टुकड़े हमने कर दिए तो एंगल हमारा कितने कितने का आ गया पचास और पचास का आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़े भाई आ जाइए एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर पंद्रह लव यू भाई लव यू ठीक है नंबर में हाँ पर क्या करते हैं <coughs> एग्जाम्पल क्या कहा गया वो देखिए कहा गया है ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ पी क्यू आर पी क्यू आर में ओ जो है हमारा क्या है सर्कम सेंटर है ठीक है एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू हमारी कितनी है 110 है एंगल ओ पी आर की वैल्यू 25 है ओ पी आर की वैल्यू देखोगे तो ये 25 है तो हमसे यहाँ पर सेम तरीके से पी क्यू आर ये पूरा का पूरा कौन पूछा गया है हमने कहा वापस से ये भी कोई सवाल है बताओ ये भी कोई सवाल है इतू सा छोटू सा प्यारा सा सवाल है यहाँ पर अब अगर मान लीजिए कि मुझे ये एंगल पूरा का पूरा बताना है तो यानी मुझे ये वाला भी पार्ट बताना पड़ेगा और ये वाला भी पार्ट बताना पड़ेगा ठीक है अब देखो जरा ये एंगल 110 है तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल में तो इस ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा इसका इसका और इसका ठीक है ओ क्यू आर तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा ये हमारा 110 सौ है यानी बाकी दोनों के कारण कितना आएगा 70 आएगा उस 70 में अगर हम बात करें तो ये हमारा पैंतीस तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा सर हो जाएगा ना लेकिन इसकी तो आवश्यकता है नहीं निकालना है नहीं तो क्यों फालतू का हम स्याही बर्बाद करें अपना नहीं करेंगे अब हमें इन दो कोनों में ये का तो पता चल गया इसका कैसे पता चलेगा तो मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे मेरे भाई ये कहा कि देखो ये वाला कौन और ये वाला बराबर होंगे यानी कहीं ना कहीं अगर मुझे ये बताना है तो मुझे इसको निकाल देना पड़ेगा जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी आने वाली है तो मैंने आपसे क्या कहा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा और क्या पढ़ा कि ये जो 110 है ना तो यहां पर पीछे वाले कोण का डबल है यानी इसका दोगुना एक सौ होता है या ऐसा कह सकते हैं कि इसका आधा इसके पीछे बनता है इसका डबल ये है या इसका आधा पीछे है तो अगर ये 110 है तो पीछे जो ये पूरा का पूरा एंगल पी है पूरा पूरा का पूरा कितना बन जाएगा पचपन बन जाएगा यहाँ एक का आधा पचपन बन जाएगा उस पचपन में ये वाला पार्ट उस पचपन में ये वाला पार्ट पच्चीस है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ये 110 है तो पीछे इसका आधा बनेगा 110 का आधा पचपन होता है पचपन में ये 25 है तो ये 30 हो जाएगा और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री तो हमसे एंगल Q Q पूछा गया तो का मान 30 और 35 यानी कितना हो जाएगा पैंसठ ऑप्शन नंबर ए ठीक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई मजा आ रहा है बताओ सरकम सेंटर पढ़ने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ मजा आ रहा है ना चलिए अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले समझिएगा एक होता है लोकेशन जैसे आपका भी पता ठिकाना है कहां है ठीक है तो उनके दिल में है आपने क्या सोचा घर बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं घर नहीं बोलने वाले घर में तो हर किसी का पता ठिकाना होता है ठीक है रात में तो हर कोई अपने ही घर में मिलता है पड़ोसी के घर में थोड़ी मिलता है तो आपका पता ठिकाना कहाँ है तो आपका पता और आपका ठिकाना उनके दिल में है समझ रहे हैं ना किनके जिनसे जैसे व्हाट्सअप पे फेसबुक पे फोन पे बातें चलती रहती हैं ठीक है थीके? गिफ्ट का आदान प्रदान चल रहा होता है जिन्हें मरने की कस्म खाई जाती हैं तो उन्हीं के पास यानी उनका जो दिल है वहां पर है समझ गए मेरी बात को तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इन सेंटर है तो उसका भी कोई लोकेशन होगा सरकम सेंटर है तो उसका भी कोई लोकेशन होगा ठीक है तो क्या लोकेशन होगा तो जब आप इन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं जब आप किसके बारे में पढ़ते हैं तो जब आप इन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल है और यहाँ जहाँ सारे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिल जाएं तो मेरे भाई उससे हम क्या कहते हैं तो इन सेंटर कहते हैं तो एक इन सेंटर देखो ट्रायंगल कितने प्रकार के हो गए तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये एक्यूट है ये राइट है और ये ऑप्टूज है तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे ठीक है ट्रायंगल एक आपका होता है जहाँ पर आपका कोण नब्बे से छोटा होता है ठीक है दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा होता है दूसरा ट्रायंगल वो होता है जहाँ पर कोण आपका नब्बे के बराबर होता है ठीक है समझ रहे हैं ना मेरी बातों को लेकर ठीक है दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा होता है नब्बे से जहां पर कोण बराबर होता है और तीसरा कौन सा ट्रायंगल होता है तीसरा वो ट्रायंगल होता है जिसका कोण 90 से क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम मान लीजिए इसका कोण थीटा है और थीटा यहाँ पर 90 से कम है तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज पढ़ा रखा है मैंने आपको जहां पर ये थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई आप समझेंगे जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ठीक है और जहाँ पर ये थीटा है और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गई तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज अब जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या होता है तो सेंटर हमारा सारे के सारे ठीक है एंगल बाई का मिलन स्थल होता है जैसे इसके एंगल को जो काट रहा हो इसके एंगल को जो काट रहा हो और इसके कोन को जो काट रहा हो तो वो जो हम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे इन सेंटर बोलेंगे उसी तरीके से राइट में इसके एंगल को जो काटे इसके एंगल को जो काटे और इसके एंगल को जो काटे तो उसे क्या बोलेंगे इन सेंटर बोलेंगे ऑप्टूज में इसके एंगल को जो काटे इसके एंगल को मेरे भाई जो काटे ठीक है यहां पर देखते चलो ठीक और इसके एंगल को जो काटे तो उसे हम क्या बोलेंगे तो उसे हम इन सेंटर बोलेंगे तो यहां पर आपने एक चीज़ देखा कि हमेशा इंसेंटर का जो ठिकाना है वो कहाँ पर है तो ट्रायंगल के दिल के अंदर है जैसे मैंने कहा ना आपका ठिकाना कहाँ है तो उनके दिल में उसी तरीके से इन सेंटर का ठिकाना चाहे दुनिया का किसी भी प्रकार का कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना बने वो हमेशा भीतर ही मिलेगा आपको तो आपको एक बात याद कर लेना है कि अंत केंद्र जो होता है यानी जो इन सेंटर होता है इन सेंटर इज ऑल ट्र चाहे कैसा भी मेरे भाई ट्रेंगल क्यों ना है राइट right है एक्यूट है ऑप्टूज है जैसा भी हो लेकिन हमेशा वो स्थान जो है उस ट्रैंगल के दिल में बनाएगा भीतर बनाएगा मेरे भाई ठीक है चलिए ठीक है तुषार कुमार जी बढ़िया है आपका नाम ले लिया आ जाइए अब हम बात करते हैं तुषार जी यहाँ पे समझिएगा मेरी बातों को लेकर ठीक है कि सरकम सेंटर का लोकेशन कहाँ होता है इन सेंटर के बारे में तो हमने जान लिया ये सुसरा सरकम सेंटर है तो इसका लोकेशन कहाँ होगा तो सरकम सेंटर कहाँ होता है सरकम सेंटर बनता कैसे है पहले वो परिभाषा जानते हैं तो सरकम सेंटर बनता है जहाँ सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका ठिकाना कहाँ है मेरा ठिकाना आप सभी के दिल में है ठीक है समझ गया ना बिल्कुल आप सभी के दिल में हम बसे नहीं हैं ये बताओ पहले आप सभी के दिल में रहते हैं ना तो बस मेरा ठिकाना वहीं पर है चलो तो हमने कहा सरकम सेंटर की बात करते हैं तो सरकम सेंटर क्या होता है जहां पर जैसे इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिला दिया इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिला दिया इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिला दिया तो तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एक्यूट एंगल का सरकम सेंटर कहाँ है तो अंदर ट्रैंगल के भीतर में ये एक राइट एंगल ट्रैंगल है तो यहां पर राइट एंगल ट्रैंगल में इसका परपेंडिकुलर बाई हमारा ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाई देखो सभी भूजाओं का बना रहे इस भूजा का परपेंडिकुलर ठीक है उसके यहां पर क्या हो जाएगा समझना तो इस भुजा का यहाँ क्या हो जाएगा इस भुजा का भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस भुजा का भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको आप देखो ये लाइन को एक रेखा काटने वाली है ये नब्बे पे ठीक है इस लाइन को काटने वाली ये रेखा है नब्बे पे और इस लाइन को काटने वाली ये रेखा है नब्बे पे तो इनका मिलन स्थल यहाँ पर है बड़े मजे की बात है यहाँ पर कि क्या है इसका मिलन स्थल हाइपोटेनस पर है दोबारा से हम आपको समझा देते हैं समझिएगा बड़ी ध्यान से सारी बातों को जैसे ये लाइन है तो इस लाइन पर जो नब्बे पे काटे यानी ये वाली रेखा इस लाइन को देखो जो नब्बे पर काटे यानी ये वाली रेखा और इस लाइन को जो नब्बे पर काटे यानी ये वाली रेखा सारे के सारे मिल कहाँ पर रहे हैं इस हाइपोटेनस पे तो उस हाइपोटेनस पर मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम सरकम सेंटर बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई तो सरकम सेंटर बोलेंगे ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि एक्यूट एंगल एगल यानी न्यून कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर परिकेंद्र भीतर है ठीक है सम कोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर है वो हमारा हाइपोटेनस पर है यहाँ ये हाइपोटेनस बोलते हैं इसी हाइपोटेनस के बीच में है एकदम बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट है ये समझ गए ताकि ये बराबर बराबर भागों में बांटता है अब उसके बाद बात करते हैं ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल को लेकर अधिक कोण त्रिभुज को लेकर इस अधिक त्रिभुज को देखो जैसे मानो ये रेखा है तो यहां पर क्या होगा इसका एंगल बाई सेक्टर कुछ ऐसे जाएगा एंगल नहीं साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ये मेरे भाई है तो इसका कुछ इस प्रकार से आएगा समझते चलना यहाँ पे कि इसका कुछ इस प्रकार से आ गया इसका कुछ इस प्रकार से आ गया और ये जो तीसरी वाली रेखा है इसका कुछ इस प्रकार से आ गया तो ये केस ऐसा बनाता है कि ये बाहर जाकर मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं बाहर जाकर मिलते हैं तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो देखो तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो जैसे आपने देखा होगा एक तरीके से कि जब आप पानी में थोड़ा सा तेल डालते हो तो सारा तेल फैल जाता है भागता है दूर भागता है आप उसके अंदर उंगली डिप करोगे तो और दूर भागेगा लेकिन तेल आपकी उंगली पे चिपकेगा नहीं उसी तरीके से यहाँ पर क्या है आप ऐसे याद कर लो कि जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाते हैं ये सरकम सेंटर ट्रैंगल के बाहर जाता है जैसे मानो पहले ट्रैंगल ऐसे था उसका लोकेशन बीच में था फिर उसके बाद उसका लोकेशन साइड में आया और फिर उसका लोकेशन यानी ये ट्रैंगल से दूर चलता चला गया हमने जैसे जैसे एंगल को या वैसे वैसे सरकम सेंटर अपने स्थान को बदलता चला गया अगर न्यून त्रिभुज था तो वो भीतर की तरफ था राइट एंगल ट्रैंगल था तो हाइपोटेनस में था और एंगल था तो बाहर था यानी ये पहले अंदर आया फिर साइड में आया और ये फिर बाहर चला गया यानी जैसे जैसे एंगल को बढ़ाया गया ये मुंह फुला के घर छोड़कर निकल गया होता है ना जैसे शादी के बाद अगर मान लो भाई की पत्नी आ जाती है ठीक है तो जो बहन होती है वो मुंह फुलाना शुरू कर देती है उसको लगता है उसकी इज्जत घर में कम रह गई है तो धीरे 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 वो घर से कट आउट होना शुरू हो जाती है तो उसी तरीके से जैसे जैसे एंगल हमारा बढ़ते चला जाता है ये भाई साहब मुंह फुला के पहले यहाँ से साइड पे जाते हैं और फिर घर की दहलीज को पार कर देते हैं तो ध्यान रखिए इन सेंटर हमेशा कहाँ रहता है तो ट्राइंगल के भीतर और सरकम सेंटर कहाँ रहता है तो एक्यूट में भीतर रहता है और आ, आ, सम, समकोन यानी राइट में हाइपोटेनस पे रहता है और ऑप्ट्यूज में आपका बाहर हो जाता है ठीक है संतोष कुमार मेरा नाम लीजिए ठीक है मेरे भाई देख लो हम जिसका नाम लेते हैं ना मैं बार बार कहता हूं वो प्राइवेट बाबू पहले बनता है सरकारी बाबू बाद में बनता है ध्यान रख लो नाम बुलवाने के पहले हमसे सोच लो समझ लो ठीक है आ जाओ अब यहाँ पर देखो सरकम रेडियस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें सरकम रेडियस क्या होगी ठीक है एक बच्चा ऋषभ कह रहा है कि सर क्लास साढ़े चार बजे से थी ठीक है मेरा आधा घंटा का क्लास निकल गया बाबू तुम सो के आ रहे हो ये बताओ पहले सारे बच्चे तब से चार बजे से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके लिए क्लास साढ़े चार बजे से हो गई गजब हाल करते हैं मेरे भाई बताइए ठीक है एक हमारे इशू ठाकुर हैं मुझे पता है आप इग्नोर कर रहे हो स्ट्रेटजी की वीडियो कब आएगी बच्चे पचास काम है मेरे पास ठीक है 30 की 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 वीडियो 20 की की वीडियो पहली बात मेरे को बताओ 20 कोई स्ट्रेटी की वीडियो होती है क्या ये बताओ पहले गजब बात करते हो यार जितना खाली आप इशू जी बैठे हैं उतना खाली हम नहीं बैठे ना पचास काम है हमारे पास समय मिलेगा तो बता देंगे अभी घंटे की क्लास में हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें कल भी हम आपके कमेंट का रिप्लाई किए आज भी हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें तो हम बाकी बच्चों को तो पढ़ा लिए फिर पढ़ लीजिए यीशु जी ठीक है अभी समय इतना है सिंपल भाषा में इतना बोलेंगे कि इन 25 दिनों के परीक्षा में इन 25 दिनों के पेपर में आप बस जो आप पढ़ कर गए हैं जो आपने अब तक पढ़ा है आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है आप आखिरी के पच्चीस दिनों में और क्या करेंगे ये बताइए पहले कल आपका कमेंट कुछ और था आज आपका कमेंट कुछ और है ऐसा नहीं है हम आपके कमेंट को नहीं देखते हैं जो बात जरूरी होती है ना बताना बच्चे वो बात हम बताते हैं जहां जरूरत नहीं होती है वहां पर हम इग्नोर मारते हैं कारण क्योंकि हम जिस काम के लिए पहले यहां पर आए हैं सबसे पहला पर्पस वो है उसे कंप्लीट कराना ठीक है 19 जुलाई का आपका बैच है और आपका बैच में यहाँ पर अभी जो है मात्र चार महीने पांच महीने हुए हैं और उसमें आपको स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए छह महीने में किसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ये बताइए पहले कल से आप कमेंट किए जा रहे हैं कुछ तो सोचिए समझिए बोल दो तो बुरा लग जाएगा मुंह बना लोगे फालतू का। आ जाओ चलो तो सवाल हमने क्या कहा हमने यहां पर कहा सरकम रेडियस सरकम रेडियस का मतलब क्या हो जाता है परित्रिज्या हो जाती है मैं हज़ार बार कहता हूँ शायरी हो गया स्ट्रेटजी हो गया गाइडेंस हो गया सारे के सारे काम यूट्यूब पर अच्छे लगते हैं वहाँ पर ये वीडियो थोड़ा अच्छा भी आता है व्यूज़ भी आता है अच्छा भी लगता है ठीक है वहाँ पर थोड़ा बोल भी दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है क्योंकि वहाँ बच्चा स्किप कर करके जल्दी जल्दी देख लेता है अब एप्लीकेशन की क्लास है आप पैसे देकर कर यहाँ पहुँचे हैं हर एक मिनट का एम भी आपका खर्च हो रहा है डेटा आपका जा रहा है हमारा समय जा रहा है अब इसमें भी वहीं सब बातें करें तो यार यूट्यूबर यहाँ में क्या फ़र्क रह जाएगा ठीक है इतने मेरे मोटिवेशन के वीडियोस हैं इतने मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस हैं यार सब चलता है ना यूट्यूब पे अच्छा लगता है ना भाई यहाँ पर क्यों करना फालतू का बताओ ना पढ़ने आए हो मैं पढ़ाने आया हूँ पढ़ते हैं ना फिर अच्छा सीखते हैं यूट्यूब पर कितने क्वेश्चन कराने होते हैं पंद्रह बीस क्वेश्चन कराने होते हैं हो जाता है आपको मुझे पूरा पढ़ाना होता है पंद्रह बीस क्वेश्चन में अगर मान लो पाँच मिनट बाद भी कर ली तो नुकसान नहीं है लेकिन जहाँ मुझे सौ क्वेश्चन कराने हैं वहाँ पर तो मेरे लिए एक मिनट मायने रखता है ना पढ़ लो यार ठीक है पहला टीचर शायद मैं ऐसा हूँ जो मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ बकवासबाजी नहीं करता ठीक है नहीं तो लोगों को तो बातें करने में ज़्यादा अच्छा लगता है टाइम पास करना अच्छा लगता है जब मैं समय किस तरीके से कीमत समझ रहा हूँ तो आप भी समझिए आपके समय की कीमत कितनी है आ जाइए सवाल देखिए यहाँ पे सरकम रेडियस की बात यहाँ कही गई है तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं सरकम रेडियस क्या होता है आपने कहा कि सर ये ट्रेंगल है ट्रेंगल है तो ये उसका सर्कल है ये उसका सेंटर है तो इसको हम क्या बोलेंगे सरकम सेंटर और ये सरकम सेंटर होगा तो ये सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे सरकम रेडियस मेरे भाई कहलाएंगे यहाँ पे अब जैसा कि आपने पढ़ा था इन सेंटर ठीक है तो इन सेंटर में हमने क्या पढ़ा तो इन सेंटर में हमने देखा कि इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ ये नहीं आ रहा है कि जैसे आपने पढ़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर कोई सर्कल मौजूद है तो इस सर्कल का यहाँ पर जो रेडियस है उसे हम इन रेडियस बोलते हैं और ये जो इन रेडियस होता है इसका वैल्यू कितना होता है कैसे निकालते हैं तो यहाँ निकालने के लिए हम एरिया को सेमी पेरीमीटर के साथ भाग कर देते हैं ये हमने कल ही पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो ठीक है अब उसके बाद क्या है कि जैसे अब ये सर्कल है यहाँ पर सर्कल ट्रायंगल के भीतर होता है और यहाँ सर्कल ट्रायंगल के बाहर होता है यहाँ इसकी रेडियस निकालनी है तो एरिया को सेमी पेरामीटर से भाग कर देना होता है और यहाँ अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा और वो होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर डल ठीक है मैंने कहा था ना ए बी सी याद है ए बी सी का मतलब क्या हो गया आपको तीनों भुजाओं को गुना कर देना है और यहाँ पर एरिया के चार गुने से उसे भाग कर देना है ठीक है एरिया के चार गुने से मेरे भाई क्या करना है भाग कर देना है कोई दिक्कत की बात जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है आप इस क्वेश्चन को बनाइए ठीक है चलिए तो सवाल मेरे भाई यहाँ क्या कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी हमसे बोला गया ना इन ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा एक त्रिभुज है और ये ट्राइंगल ए बी सी में क्या बोला गया तो बोला गया सर देखिए ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है ए बी का वैल्यू हमारा कितना है तो नाइन है ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है चार है ठीक है साथ में हमसे कहा गया कि देखो ये जो हमारा ए डी है ना ए डीज पर ऑन ये तो फर्जी सवाल हो गया इन ट्रैंगल ए बी सी ADs perpendicular on AC अच्छा ये वही क्वेश्चन है जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ठीक है AD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है. BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है चलो इस क्वेश्चन को डिलीट मारो इस एग्जांपल को डिलीट मारो मुझे पता है इसमें टाइपिंग एरर है बहुत समय एक बार बर्बाद हुआ था एक बैच में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आ जाइए मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आप लोगों को खुद से देता हूँ ठीक है जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है हमसे यहाँ कहा गया है कि इसकी भूजा पाँच है छः है और सात है ठीक है इसका जो यहाँ पर सर्कल है ना इस सर्कल का आप रेडियस बताओ कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा बहुत ही आसान बात कि यहाँ इसका सरकम रेडियस कितना होगा जल्दी से बताइए ठीक है दीपक कुमार कहते हैं सीजल की तैयारी के साथ बीएड करें या नहीं मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है आपकी इच्छा है दीपक जी अगर आप एस एस सी सीजल के मैटर में पूछे तो सी में बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन अगर आपको टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ जाना है तो आप बीएड करिए अन्यथा मत करिए ठीक है जैसे मान लीजिए कि मेरा सपना ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो मैं भला बी क्यों करूँ मेरे लिए किस काम की है लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए चाहे वो टीचिंग के माध्यम से मिल जाए या फिर एस एस के माध्यम से तो आप बी को एज ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं बट मुझे लगता है यहाँ पर कि जो बच्चा एस के लिए सबसे ज्यादा अगर आ, मतलब आ, जान प्राण लुटाए हुए हैं तो उसके लिए बी आवश्यक है जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं बी टेक की लोग बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनको एक टेक्निकल सब्जेक्ट चाहिए होता है और बी में उसके बाद जब पंद्रह में नौकरी लगती है तो आप क्या करते हैं बाद में बी की नौकरी छोड़ के आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो या तो पहले ही आप बी नहीं करते एक आर्ट्स का सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करते जिससे आपका जी कम से कम स्ट्रॉन्ग हो जाता तो ऐसे समय में बड़े प्यार से सोचिए सोचे की अगर तैयारी करनी है तो बी नहीं करना है ठीक है और अगर आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए चाहे कहीं से भी मिल जाए तो चाहे बी कर लो या जो भी करना है कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बताओ आपने कहा सर देखो त्रिभुज की साइड हमें दे दी गई है सरकम रेडियस हमसे पूछा गया है मैंने आपको एक छोटी बात बोली मैंने आपसे क्या कहा कि सरकम रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हमारा कितना होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल होता है मेरे भाई होता है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पर ये जो डल है ये हमारा क्या है तो एरिया है हमारा क्या है दोस्त एरिया है तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे ठीक है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कल ही हम आपको पढ़ाए थे हेरोस फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी और यहाँ हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा दोस्त ठीक है समझ गया मेरी बात को यहां पर सेमी सेमीपेरीमीटर की बात करते हैं तो सेमी सेमीपेरीमीटर निकालते कैसे हैं तीनों भुजाओं को जोड़ के सात पांच बारह बारह छह अठारह तो 18 का यहाँ पर आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेमी सेमीपेरीमीटर हमारा आ जाएगा ठीक है अब यहाँ सेमीपेरीमीटर को हम रख देंगे तो हम क्या बोलेंगे नाइन नौ में से हमारा सात गया तो कितना हो जाएगा दो नौ में से हमारा छः गया तो कितना हो जाएगा तीन और नौ में से पाँच गया तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा मेरे भाई समझ गए मेरी बात को ठीक है नाइन का रूट करेंगे तीन आएगा चार का रूट करेंगे तो दो आएगा और इन दोनों का हम रूट नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे तीन और दो छः यानी हम बोलेंगे तो एरिया हमारा कितना आ गया छः रूट छः आ गया सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया छः रूट छः आ गया अब यहाँ पर आप इसे रख दीजिए आपको पता है कि सर कम रेडियस का ये फॉर्मूला होता है तो रखिए ठीक है साइड हमारा कितना है तो बोलेंगे सर पाँच इंटू छः इंटू सात ठीक है नीचे हमारा कितना हो जाएगा फोर और इंटू हमारा एरिया एरिया कितना आया सर छ रूट छ आया है कितना आया है छ रूट छ आया है तो हमारा छ से छ खत्म हो गया ठीक है ऊपर अगर हम बात करें तो सात का पांच गुना पैंतीस और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा तो चार रूट छ आ जाएगा पैंतीस चार रूट छ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंतीस बटे चार रूट छ पैंतीस बटे चार रूट छ हो जाएगा समझ गए दोस्त कोई दिक्कत की बात है अगर आप नीचे का रूट हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे रूट से गुना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है ठीक है दोस्त क्लियर है तो कभी भी सरकम रेडियस निकालना है तो तीनों साइड को गुना करके एरिया के चार गुने से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे एक और एग्जांपल दें ठीक है एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग जरा एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं ठीक है एक ट्रेंगल है हमारा और इस ट्रेंगल की भूजा हम थोड़ी सी बदल देते हैं मान लीजिए इस ट्रैंगल की भूजा हमारी सात आठ और कितनी है नौ है हमने कहा इसका सरकम रेडियस बताइए सरकम रेडियस कितना होगा जल्दी से सरकम रेडियस बताइए कोई दिक्कत की बात सरकम रेडियस बताइए बोलेंगे सर देखिए सरकम रेडियस की वैल्यू बतानी है यानी यहाँ पर परित्रिज्या की वैल्यू बतानी है तो परित्रिज्या की वैल्यू हमारा ए बी सी अपॉन फोर डेल होता है होता है सर सबसे पहले तो यहाँ एरिया निकालना है एरिया निकालने के लिए सेमी सेमीपेरीमीटर निकालेंगे सेमी सेमीपेरीमीटर का मतलब सबको जोड़ के आधा तो नौ और आठ सत्रह सत्रह और सात कितना हो गया चौबीस और चौबीस का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर तो चौबीस का आधा कर देंगे तो बारह हो जाएगा तो अगर हम यहाँ एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा पहले एस हो जाएगा ठीक है फिर एस माइनस ए यानी बारह में से नौ गया तो तीन फिर बारह में से सात गया तो पाँच फिर बारह में से आठ गया तो हमारा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है बारह इंटू तीन कितना हो जाएगा तो छत्तीस हो जाएगा ये हमारा पाँच रहेगा और ये हमारा चार रहेगा इसका हमें करना है रूट ठीक है छत्तीस का रूट हमारा छः चार का रूट करेंगे तो दो आ जाएगा पाँच बेचारा रूट नहीं कर पाएगा तो ऐसे रहेगा यानी बोलेंगे सर बारह रूट पाँच आ गया हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया है तो बारह रूट पाँच आ गया क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है तो बारह रूट पाँच आ गया है सर अब यहाँ देखिए सर रेडियस निकालेंगे सबको गुना करिए सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया ठीक है फिर यहाँ फोर हो गया और उसके बाद एरिया एरिया कितना आया है तो बारह रूट पाँच आया है तो यहाँ बारह रूट पाँच हमें रखना है चार से हमने काट दिया दो बार में दो से हमने काट दिया छः बार में तीन से काट दिया दो बार में तीन से काट दिया तीन बार में ऊपर कितना बचा सात इंटू तीन इक्कीस बच गया और नीचे हमारा दो रूट पाँच बच गया ये हमारा करेक्ट आंसर है इक्कीस बटे दो रूट पाँच समझ गए मेरे भाई इक्कीस बटे दो रूट पांच बहुत शानदार रामपाल प्रजापति दीपू कुमार राजदास ठीक है बहुत अच्छे रोहित कुमार बहुत शानदार बच्चों तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सरकम रेडियस निकालते हैं अब जैसा कि कल आपने पढ़ा था मैं कह रहा हूं ना कि बार 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 हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे ठीक है और हम आपको क्या रिवाइज़ करवाएंगे तो याद करिए वो दिन आज से 2000 साल पहले जब कल हमने आपको पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था कि ट्रायंगल में तीन प्रकार के होते हैं एक नॉर्मल ट्रायंगल हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक हमारा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जैसे आपको कल मैंने कहा था कि जैसे ये एक नॉर्मल ट्रैंगल है जिसकी भुजाएं हमारी ए बी और सी हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो इसका बेस है ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है और ये इक्विलिटल ट्रायंगल है यानी सम दिबाहू त्रिभुज है यहाँ पर ठीक है समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे तो ये सारे के सारे साइड बराबर हैं तो कल मैंने आपको एक प्यारी सी चीज़ सिखाई थी और मैंने क्या सिखाया था मैंने कहा था कि देखो बाबू अगर तुम्हें इन रेडियस निकालना है तो अगर इन रेडियस निकालना है तो तुम क्या करोगे तो इसका इन रेडियस यानी स्मॉल आर बराबर था किसके तो बराबर था आपके एरिया और बटने में क्या हो जाएगा तो सेमी पेरीमीटर के याद आ रहा है भूल गए बताओ जल्दी से पढ़ाया था मैंने फिर मैंने कहा था कि अगर मैं इसी चीज को यहाँ स्पेसिफाई कर दूं थोड़ा सा तो यहाँ पर जो हमारा इन रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई टू ये हमारा इन रेडियस यहाँ पर हो जाएगा ठीक है आईपीएस एसएसपी अश्विनी सर मेरे दादाजी कह रहे हैं हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे दादू जी भी पढ़ रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात है अपने दादाजी को हमारा नमस्कार कहिएगा ठीक है चलिए अब आ जाइए अब मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो कल भी हमने आपको पढ़ाया था और मैंने क्या कहा था यहां पे कि जैसे इसकी वैल्यू एरिया अपॉन सेमी हो जाती है इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन टू हो जाता है और यहाँ जब आपको इन रेडियस निकालना होता है तो आप क्या करते हैं बोलते हैं सर साइड बटे दो रूट तीन हो जाता है ऐसा नहीं है मेरे भाई कि इनको अलग अलग याद करने की आवश्यकता है अगर आपको ये फार्मूला याद है तो उसके आधार पर ये दोनों बता सकते हैं लेकिन अगर इनका डायरेक्ट या एंड रिज़ल्ट अगर हमें पता हो तो चीज़ें हमारे लिए आसान सी हो जाती हैं तो इसलिए हम इसे अलग अलग तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा था आज हमें सेम काम करना है और हमें क्या करना है मेरे भाई यहाँ पर कि सेम तरीके से आपका यहाँ पर कंसेप्ट लागू होता है किस में तो सरकम रेडियस के लिए भी अब यहाँ बस ये इन रेडियस बदल जाएगा और इन रेडियस बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा तो हमारा सरकम रेडियस आ जाएगा अब वो सरकम रेडियस आपको तीनों जगह पढ़ना है यहाँ पर परित्रिज्या तीनों जगह एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी तो इन तीनों ट्रायंगल में, में मेरे भाई यहाँ पर सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे सर सर्कम रेडियस का फॉर्मूला दुनिया के किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है ए बी सी अपॉन फोर डेल हो जाता है सर ठीक है अब यहां पर जैसे मानो कि इस ट्रेंगल में अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या हो जाएगा तो उस केस में मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर 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 बोलते हैं और अगर अगर है है जैसे इस सर्कल का तो बहुत मजे की बात है पता है क्या मजे की बात है वो समझो अब यहां पे जैसे मानो कि यह सर्कल का सेंटर है तो सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से इस पूरे वृत्त में कहीं भी अगर हम रेखा डालें तो

तो हमारा किसके बराबर सरकम रेडियस के बराबर समझ गए मेरी बात को यहां पर ठीक है अच्छा अब बात करते हैं यहाँ इक्वीलिटल ट्रायंगल में हमारा इक्वीलिटल ट्रायंगल में सरकम रेडियस कैसे निकलता है तो फॉर्मूला क्या होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल तो जब यहाँ पर आप ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आप यहाँ देखेंगे जो ए है वही बी है वही सी है तो ए इंटू ए इंटू ए हमारा हो जाएगा ए क्यूब ठीक है फिर यहाँ फोर है तो फोर आ जाएगा इक्वीलिटल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है तो इक्विलिटल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है होता है यहाँ पर आप यहाँ फोर से फोर काट देंगे ए स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो ए अपॉन रूट थ्री आ जाएगा यानी यहाँ पर अगर हम सीधा याद करें तो याद कर सकते हैं कि इसका सरकम रेडियस कितना होगा ए बाई रूट थ्री होगा समझ गया दोस्त यहाँ पे ठीक है तो आपको दोनों एक साथ हम जुक्स्टापोस करवा देते हैं जुक्टापोज का मतलब होता है कंपेयर करवाना ठीक है तो यहाँ पर कल आपने क्या देखा था इसका फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी सेमीपेरीमीटर यहाँ देखा परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस का आधा यहाँ देखा साइड अपॉन टू रूट थ्री और यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ आपने देखा कि सरकम रेडियस की बात करते हैं तो ई बी सी अपोन फोर होता है नॉर्मल ट्राइंगल में राइट एंगल के लिए हाइपोटेनस का आधा कर देना होता है और यहाँ पर इक्विलिट्रल में साइड अपॉन रूट हो जाता है एक और मज़े की बात हम आपको बताते हैं हैं, दोनों में कंपेयर करवा के तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका इन रेडियस ए अपॉन टू रूट थ्री और मेरे भाई यहां पर ये सरकम अपॉन रूट थ्री तो जो इन रेडियस होता है उसका दोगुना सरकम रेडियस होता है एक विट्रगल के अंदर अगर आप देखेंगे इसी संख्या को दो से गुना कर देंगे तो इसका नीचे का दो खत्म हो जाएगा और ये हमारा सरकम रेडियस बन जाएगा धीरे 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 हम जो है आपको आगे चल के सभी बातें बताते चलेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके स्लाइड में दी गई हैं सारी बातें लिखी गई हैं अब सीधा हम इस बार का मेज का क्वेश्चन टच करते हैं ठीक है समझ गए अब आप मेंस का क्वेश्चन देखिए जैसे इस बार अभी एक महीने पहले दो महीने पहले जिस बार का मेंस हुआ था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन में कहा कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ट्रायंगल का एरिया छत्तीस रूट तीन है देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कम स्क्राइबिंग द यानी हमसे हमसे पर क्या बोल दिया गया है तो यहां एरिया बोल दिया गया है और एरिया हमारा किसके बराबर है तो एरिया हमारा छत्तीस रूट तीन के बराबर है हमसे यहाँ सरकम रेडियस बोला गया है कि सरकम रेडियस किसके बराबर होगा हमने कहा यार देखो समझना मेरी बात को सर ए स्क्वायर से ए क्यूब कैसे काट दिया अरे मेरे भाई ए स्क्वायर से ए क्यूब नहीं काटा है मैंने यहाँ पर कहा कि इसके तीन पावर हैं और इसके दो पावर हैं तो इसके दो पावर यहाँ पर इसके यहाँ पर समझ लीजिए दो पावर को काट देंगे और मात्र यहाँ ए बचेगा तो इसलिए मैंने यहाँ ए लिख दिया है काटा नहीं है मेरे कहने का मतलब इसके दो पावर इसके दो पावर को ख़त्म कर देंगे मात्र यहाँ पर एक पावर बचेगा तो आपने यहां पर कहा सर देखो हमें यहां पर क्या बताना है सरकम रेडियस में का क्वेश्चन है सरकम रेडियस जो होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी सम बाहु त्रिभुज का जो यहां पर परित्रिज्या होती है ये परित्रिज्या किसके बराबर होती है तो साइड बटे रूट थ्री के बराबर होती है यानी हमें क्या निकालना जरूरी है तो हमें साइड निकालना जरूरी है ये साइड हमें पता होगा तब तो हम बता पाएंगे अब साइड कैसे पता होगा ट्रायंगल में तो साइड दिया नहीं है तो साइड नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं यार एरिया तो दिया है ना एरिया के आधार पर साइड निकाल लो एरिया हमारा कितना होता है तो बोलेंगे रूट थ्री बाई फोर ठीक है और यहाँ क्या हो जाता है तो रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा छत्तीस रूट तीन के रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर बराबर छत्तीस रूट तीन ये इससे खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी छत्तीस इंटू चार ठीक है अगर हम दोनों साइड रूट लगा दें तो ए स्क्वायर का रूट हमारा ए हो जाएगा छत्तीस का रूट छः हो जाएगा चार का रूट दो हो, हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू हमारी बारह हो जाएगी अब अगर हमारी साइड की वैल्यू दोस्त बारह है साइड की वैल्यू कितनी है दोस्त 12 है तो साइड की वैल्यू आ गई उसे आप यहां रख दो तो बोलोगे सर आर की वैल्यू बारह बटे रूट तीन क्या कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहता है नहीं रहता है तो उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे नीचे भी रूट थ्री से गुना करेंगे ऊपर भी रूट थ्री से गुना करेंगे रूट तीन को रूट तीन से गुना करने पे तीन बन जाएगा तीन इसे चार बार में काटेगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा फोर रूट थ्री आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है ठीक है तो क्षेत्रफल दिया था क्षेत्रफल के आधार पर साइड निकाल दिया और साइड के आधार पर हमने क्या कर दिया तो सरकम रेडियस निकाल दिया परित्रिज्या निकाल दिया ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे इसकी आवश्यकता है नहीं बाई छोटा सा पॉइंट है बट इसकी ज्यादा आवश्यकता हम करते नहीं है बट फिर भी पढ़ा देते हैं हम आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारा क्या होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी नाम का समकोण त्रिभुज है तो इस ए बी सी में अंदर वाले सर्कल का एक रेडियस होगा जिसे हम सर्कम रेडियस कहेंगे बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस होगा उससे हम क्या कहेंगे सॉरी अंदर वाले को इन रेडियस कहेंगे बाहर वाले को सरकम रेडियस बोलेंगे बोलेंगे ना चलो तो उसके बीच में एक प्यारा सा रिलेशन होता है और वो यहाँ पर क्या होता है तो वो यहाँ पर सारा सॉल्व करने के बाद एक प्यारा सा रिलेशन आता है दोगुना किसका सरकम रेडियस का और इन रेडियस का सम इन दोनों के जोड़ का दोगुना बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा मेरे भैया परपेंडिकुलर प्लस बेस के ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कहाँ से आया है कैसे आया है देखो वैल्यू रख लेना यहाँ पर जैसे इन रेडियस की वैल्यू p प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है सरकम रेडियस की वैल्यू h बाई टू होता है इधर वालों को सॉल्व करोगे तो p प्लस बी ही आपको मिलेगा ठीक है समझ गए मेरी बात को यहाँ पर तो ये एक प्यारा सा रिलेशन होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर उसका मान लीजिए परपेंडिकुलर दिया है बेस दिया है तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है कि सरकम रेडियस और इन रेडियस के सम का दो गुना बराबर होगा किसके तो बराबर होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के ठीक है बाकी इसके आधार पर सर्कम सेंटर में और कई सारे सवाल हैं जो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में ठीक है आप एक्सरसाइज में अगर आप खुद से लगाना चाहेंगे तो आप एक काम करिएगा हमने आपको पूरा का पूरा इन सर्कल पढ़ा दिया ठीक है तो आप इन सर्कल इन रेडियस इन सेंटर तीनों के क्वेश्चन लगा सकते हैं सरकम सर्कल पढ़ा दिया तो सरकम सर्कल सरकम सेंटर और सरकम रेडियस इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो लगा सकते हैं ये तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल थे जो साथ के साथ कंसेप्ट को क्लियर करा रहे थे ठीक है कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रॉयड और फिर सेंट्रोयड के बाद लास्ट जो सेंटर होगा वो होगा ऑर्थो सेंटर चार सेंटर होते हैं दो हम लोगों ने पढ़ लिए दो और पढ़ेंगे और इन्हें पढ़ने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्या करें?

चलो सर मम्मी आपका वीडियो देखती हैं चलिए मम्मी को नमस्कार कहिएगा बिंबा जी ठीक है बहुत अच्छा खुश रहिए मस्त रहिए ध्यान रखिए लव यू ऑल टेक केयर बाय